नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। तो सीएम भूपेश बघेल इन दिनों लगातार आम जनता के बीच पहुंच रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। भेंट मुलाकात के जरिए सरकार की कोशिश है कि आम जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्या का समाधान किया जाए। साथ ही ये भी प्रयास है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कराया जाए। देखिए रिपोर्ट, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। खराब परफॉर्मेंस वाले विधायकों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया ने स्वयं यह बात कही है कि जिन विधायकों का प्रदर्शन बेहतर नहीं होगा उनकी टिकट काट दी जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब तक 60 से भी ज्यादा विधानसभा का दौरा भेंट मुलाकात के दौरान कर चुके हैं। कहीं न कहीं भेंट मुलाकात के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पैनी नजर विधायकों की परफॉर्मेंस पर भी बनी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए आम जनता से सीधे संवाद का कार्य कर रहे हैं। ये भेंट मुलाकात केवल जनता का संवाद ही नहीं बल्कि विधायकों का परफॉर्मेंस भी कैसा है ये तय करती है। विधायकों की परफॉर्मेंस पर पूछे गए एक सवाल में मुख्यमंत्री का बयान अब विधायकों के लिए खतरे की घंटी बजाती है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जितने भी विधायकों का प्रदर्शन बेहतर नहीं हुआ उन पर चुनाव में पार्टी फैसला लेगी। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए विधायकों को भी लगातार उनके कार्य बताए जाते हैं। जिन विधायकों का काम अच्छा होगा उनकी टिकट काटने जैसी स्थिति नहीं बनेगी। अगर स्थिति में सुधार नहीं आया तो आगे पार्टी उस पर निर्णय लेगी। ये वाला कार्यक्रम चल रहा है भेंट मुलाकात कार्यक्रम, और लगातार जो विधायक हैं उनको बता भी रहे हैं कि आपको ये काम और करना है अपने क्षेत्र में, तो स्थिति सुधरेगी तो टिकट किसी क्यों काटेंगे। जिसकी नहीं सुधरी तो फिर पार्टी तय करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 50 से अधिक विधानसभा के दौरे किए हैं तो घोषणाएं कितने की है। नारायण चंदेल ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि वे तो प्रदेश की स्थिति खुद ही बिगाड़ रहे हैं। ताबड़तोड़ घोषणा हो रही है पर बजट है नहीं, घोषणाओं को आखिरकार पूरा कैसे करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री के टिकट काटने वाले बयान को बहुत जल्दबाजी का विषय बताया है। 50 से अधिक मान लीजिए उन्होंने विधानसभाओं का दौरा किया है, घोषणाएं कितनी की, वो तो स्थिति को खुद ही बिगाड़ रहे हैं पूरे प्रदेश की। ताबड़तोड़ घोषणा कर रहे हैं, बजट है नहीं, पूरा कहां से करेंगे। कुल मिलाकर 2023 को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से महज तैयारियां नहीं बल्कि विधायकों के परफॉर्मेंस को भी मुख्य प्रक्रिया मानी जा रही है। कहीं न कहीं अब मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद विधायकों को संभलने की आवश्यकता है। कांग्रेस के लिए 2023 का सीधा फंडा है कार्य बेहतर बनाओ और टिकट बचाओ। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। और इसी पर चर्चा करेंगे और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता श्री चंद सुंदरानी जी, पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहला सवाल मेरा अनिरुद्ध जी आपसे है, इसी साल और वहीं सीएम भूपेश बघेल की पूरी तैयारी है, तेज की तैयारी, भूपेश बघेल की पैनी नजर है, तो खराब परफॉर्मेंस वाले के जो कांग्रेस विधायक है उनको आखिरी मौका दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालात सुधर गए तो ठीक है, क्यों टिकट काटेंगे, और नहीं सुधरा तो पार्टी फैसला करेगी। किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी की अभी बाइट देख रहा था, उन्होंने कहा कि ठीक रहेगा परफॉर्मेंस तो टिकट क्यों काटेंगे जी, और नहीं सुधरेगा तो पार्टी देखेगी। उसमें बहुत ज्यादा खुलकर और स्पष्ट उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन देखिए एक चीज मैं कहने जा रहा हूं कि 4 साल समय निकल चुका है, जो छवि बननी थी विधायकों की या मंत्रियों की जी वो बन चुकी होगी, और अब समय अगर कहीं आप निकालें तो चुनावी संग्राम होने को 10 महीने का समय शेष है जी, तो अब बहुत अच्छा कोई कुछ कर पाएगा इसकी संभावना जो है कम नजर आती है, क्योंकि जो कुछ था वो तो दिख चुका है और मतदाताओं के दिमाग में अब तक बैठ भी चुका होगा जी। अब रही बात टिकट की, तो देखिए कांग्रेस में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब से अभी तक गौर करें तो प्रेशर पॉलिटिक्स बहुत चला करती थी जी। 2013 के चुनाव में राहुल गांधी जी जो है सर्वे के हिसाब से टिकट वितरण करना चाहते थे, और उसकी शुरुआत हुई थी जगदलपुर से, तो उन्होंने सामू कश्यप
एकदम नए चेहरे को उन्होंने टिकट दी थी जी। फिर कुछ ऐसा समीकरण बना, कुछ ऐसी प्रेशर पॉलिटिक्स हुई कि सारा जो है पूरा जो परिदृश्य बदल गया। जबकि उसी समय झीरम घाटी कांड हुआ था तो उसमें ये लग रहा था कि सहानुभूति का असर कांग्रेस की तरफ रहेगा, जो कि कहीं से नहीं हो पाया। और कुल मिलाकर उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन एक चीज था कि प्रेशर पॉलिटिक्स की प्रवृत्ति माननीय अजीत जोगी जी में बहुत ज्यादा थी। जब अजीत जोगी जी की पार्टी अलग बनी तो कांग्रेस की सरकार बनने के रास्ते भी खुले, ये मेरा मानना है। तो अभी देखिए, अब बात मूल बात यही है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, तो मेरा अब भी यही कहना है कि जो जिसकी जो छवि बननी थी मंत्री और विधायक की, वो बन चुकी है। 10 महीने का समय शेष है, बहुत कुछ इसमें जो है कोई कुछ कर जाएगा इसकी संभावना बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देती। और जो अब तक का जो परफॉर्मेंस है उसी का आकलन करना पड़ेगा आगे जाकर। ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी, आपसे सवाल यह है कि नेता प्रतिपक्ष ने परफॉर्मेंस वाली बात को जल्दबाजी में बताया है और कहा है कि खुद सीएम जो है वो घोषणाएं कर रहे हैं और प्रदेश की जो स्थिति उसको बिगाड़ रहे हैं। कविता जी, आपको याद होगा पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने सभी के सभी लोकसभा के सारे प्रत्याशियों को बदल दिया था। गुजरात में क्या हुआ, मुख्यमंत्री सहित सारे मंत्री बदल दिए गए। आज हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता। केंद्रीय मंत्रियों के संदर्भ में भाजपा के बड़े से बड़े नेता को आप पूछेंगे वो 15 नाम नहीं बता सकते, 80 मंत्री हैं इनके। तो भाजपा में अधिनायकवाद है, हम दो और हमारे दो का कब्जा है भाजपा के संगठन और केंद्र की सरकार में। छत्तीसगढ़ में जिसके भरोसे 15 साल सरकार बनाए, आज उस रमन सिंह से क्या मजबूरी है ये पिंड छुड़ाना चाह रहे हैं। 4 साल हो गए ना उनको कोई क्षेत्रीय प्रभार दिया गया ना कोई कार्यकारी प्रभार। तो भाजपा का यह चरित्र रहा है। अटल जी जैसे व्यक्ति को भी इन्होंने यूज एंड थ्रो किया उनके निधन के बाद चुनाव के समय अटल में भर के उनकी अस्थियां घुमाई गई और अटल जी में भाजपा कार्यालय में वर्मा ना ये चरित्र मैं बता रहा हूँ कविता जी। यहाँ वर्तमान में जो सबसे बड़े आदिवासी नेता है, वरिष्ठ आदिवासी विधायक है ननकी राम कंवर, क्या स्थिति है उनकी। अच्छा मतलब इतना कम समय बचा है, कैसे परफॉर्मेंस सुधरेगी, तो कैसे परफॉर्मेंस सुधरेगा। स्थिति है कि इनको कार्यकर्ताओं की भी जरूरत। अभी अनिरुद्ध दुबे जी ने भी कहा कि बहुत कम समय है, प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री जी भेंट मुलाकात में लगभग 2/3 विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं, भेंट मुलाकात में सीधे फीडबैक ले रहे हैं जनता से, जो योजनाओं को लेकर है, जो जनप्रतिनिधियों के संदर्भ में जो भी बातें हैं उसके संदर्भ में लगातार। लोकतंत्र में यह प्रक्रिया होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी 60 विधानसभा 90 में से 60 मतलब 2/3 विधानसभा में उनका दौरा पूरा हो गया है, वो सीधे समीक्षा कर रहे हैं। और यदि ऐसी कोई शिकायत होगी तो अभी समय भी है। भाजपा की तरह हमारे यहाँ अधिनायक बात नहीं है, यहाँ अपनी बात रखने का भी व्यवस्था है और चुनाव समिति तय करती है टिकट को लेकर। जहां तक बात है प्रदेश में वरिष्ठ नेताओं की कमेटी है, लेकिन परफॉर्मेंस भी तो होना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी तो तय करती ही है, किसी की सुनवाई नहीं है जिस प्रकार से। बिल्कुल बिल्कुल, जो 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 3/4 से बड़ी बहुमत है कविता जी जी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की, और जो 4 साल में वादे पूरे हुए हैं, 15 साल के कुशासन को भी भोगा है छत्तीसगढ़ की जनता ने, और 4 साल के सुशासन में जो 90% से ज्यादा वादे पूरे हुए हैं, अभी 1 साल बाकी है। सभी वादा जो है भूपेश बघेल सरकार का कमिटमेंट है, तो निश्चित रूप से जनअपेक्षाएं बढ़ती है, तो कुछ शिकायत भी स्वाभाविक होगी और उसको दूर कर लिया जाएगा, यही तो मुख्यमंत्री जी ने कहा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो कह रहे हैं कि बजट है नहीं, घोषणा कर रहे हैं सीएम। अभी तक उनसे नेता प्रतिपक्ष का तो ऐसा है कविता जी, जो सबसे निष्क्रिय विधायक है भाजपा के, ये तीसरा कार्यकाल है उनका, वो आज भाजपा के नेता प्रतिपक्ष है। और उसी प्रकार से एक सांसद के रूप में जिनका कार्यकाल सबसे निष्क्रिय रहा है वो आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है। तो भाजपा में कार्यकर्ता और नेताओं की जगह नहीं है, इनको आईटी सेल के पेड वर्कर और ट्रोल आर्मी के भरोसे ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं, तो इनको ये तो नेता और कार्यकर्ताओं के हक का गला पहले भी घोटते रहे। ठीक है सुंदरानी जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। आपको याद होगा ताराचंद साहू जैसे कद्दावर ओबीसी नेता को उपेक्षा का शिकार होकर बाहर। सुंदरानी जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुरेंद्र जी क्या कुछ कहेंगे, सुंदरानी जी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया।
देखिए जिस प्रकार से आपने प्रतिक्रिया ली कविता जी, वो अपनी बात बताने की चर्चा करने के बजाय, विधायकों के परफॉर्मेंस से चर्चा करने के बजाय वो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास पे बोलने लगे, केंद्र सरकार की बात करने लगे, मोदी जी की बात करने लगे, अमित शाह जी की बात करने लगे। ये अपनी बात तो करे नहीं। अच्छा, आज मैं अनिरुद्ध दुबे जी की बात से अक्षरतः सहमत हूँ कविता जी। करीब करीब 50 महीने इस सरकार को हो गए, जो परफॉर्मेंस होना था, जो सक्रियता होनी थी, जो निष्क्रियता होनी थी, जो जनता के मन में जो विधायकों के प्रति इसने होना था, इन्होंने तो 4 साल पूरे मौज मस्ती में निकाल दिए। जनता की सुधरी नहीं। अब मुख्यमंत्री जी इनको निर्देशित कर रहे हैं 4 साल बाद कि आप अपना परफॉर्मेंस सुधारिए, तो अब सुधारने के लिए बचा क्या? अब तो जो कुछ है भूपेश बघेल जी परफॉर्मेंस सुधारे, 4 साल कोई काम किया नहीं, और अभी घोषणा वीर के रूप में उनकी मुख्यमंत्री की एक पहचान प्रदेश में बन गई कि घोषणा करते जा रहे हैं, वो काम कब पूरे होंगे कोई कल्पना नहीं कर सकता। कब वो बजट में पैसा आएगा? बजट में पैसा है नहीं। लगातार घोषणा कर करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, और बयानबाजी के आधार पर या कह लें कि केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर मोदी जी की सरकार पर आरोप लगाने के अलावा इस सरकार के पास कोई काम बचा नहीं है। ये 50 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा जरूर कर लिए हैं कविता जी, लेकिन ये सिर्फ नकारात्मक राजनीति करते, सकारात्मक राजनीति इन्होंने नहीं की। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाकर बदनाम कर ये अपना स्थान बनाए रखना चाहते हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया छत्तीसगढ़ में। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता सुंदरानी जी कि कांग्रेस ने कोई भी काम नहीं किया हो? छह वादे भी पूरे नहीं किए कविता जी, 50 वादों में 6 वादे भी पूरे नहीं किए। कितनी भी बड़ी बड़ी बात कर ले, मेन वादे इनके शराबबंदी का वादा इनका पूरा नहीं हुआ, संपत्ति का राधा करने की बात की वो नहीं हुआ। जो पूरे नहीं हुए होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कुछ भी काम ना हुआ हो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। लंबी सूची गिना सकते हो, 65,000 करोड़ का कर्जा जरूर इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता पे लाद दिया है। आज अगर 3.25 करोड़ की हमारी जनता, कुछ वादे होते हैं जो हर सरकार नहीं कर पाती है। यदि हम केंद्र के पास जाए या कोई भी सरकार के पास, कुछ वादे ऐसे होते हैं, बहुत आए तो वादे पूरे नहीं। ये जनता की कसौटी पे सरकार खड़ी नहीं उतरी, ये सिर्फ लफाफी करने के अलावा कोई काम नहीं किया। इनके विधायकों का परफॉर्मेंस इतना खराब है जनता के बीच में कि आज चुनाव हो जाए तो आज जनता बदल दे, ऐसी परिस्थितियों में सरकार। सुंदरानी जी, यदि लफाजे की होती तो जो चुनाव हुए उसमें जीत नहीं हासिल होती। चलिए अनिरुद्ध दुबे जी के पास चलते हैं। अनिरुद्ध दुबे जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सुंदरानी जी कह रहे हैं कि वादे पे वादे किए, घोषणा कर रहे हैं, लेकिन बजट है नहीं, कुछ काम नहीं हो रहा है, कितनी सच्चाई इसमें? देखिए, इसमें क्या है कि वादे तो बहुत सारे कांग्रेस के घोषणा पत्र में बहुत सारे वादे थे, उसमें कुछ तो उन्होंने किया, जैसे किसानों की कर्ज माफी तत्काल किया, सरकार बनते ही जो 24 घंटे भी नहीं हुए थे और उन्होंने उस वादे को पूरा किया। चीट फंड कंपनी, यहाँ पे जो चीट फंड कंपनियों के लिए प्रदेश बदनाम हो गया था, उनके पैसा दिलाने के वादे थे वो उन्होंने पूरा किया, ऐसे कुछ थे। एक बड़ा वादा जो था शराबबंदी का, वो जरूर पूरा नहीं हो पाया। अब देखिए, सरकार कह रही है कि शराबबंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आगे क्या होता है ये देखना होगा। तो कुल मिला के जो स्थिति थी घोषणा पत्र की, तो उसमें बहुत सारे उस पर चले तो बढ़े तो वो कम से कम। और देखिए क्या है कि आपने ठीक कहा, हर सरकार के सामने कई बार दुविधा की स्थिति होती है। इसमें ये नहीं पार्टी हर कुछ करना चाहती है। अब जैसे क्या है कि केंद्र सरकार, वहां पे भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर लोगों के खाते में 15 लाख आएंगे जी, विदेशों से काला धन वापस आएगा और बहुत सारे इस तरीके के थे। तो उन्होंने भी अपनी ओर से पहल की, भारत को आगे ले जाने के लिए क्या किया जा सकता है, तरक्की के लिए कि कैसी राह खुल सकती है की। लेकिन जो मैं कुछ मैंने बताया तो कहीं कुछ वो भी जो है नहीं कर पाए, प्रयास किए होंगे लेकिन नहीं कर पाए। तो जो स्थिति केंद्र में नजर आती है वो स्थिति प्रदेश में नजर आती है। बिल्कुल, कुछ कहना चाह रहे थे सुरेंद्र जी आप? सुरेंद्र जी, कविता जी, 15 साल भाजपा के कुशासन को भी छत्तीसगढ़ की जनता ने भोगा है। जब वादा खिलाफी इस कदर थी कि रोज 3 किसान कर्ज से लदकर इनके राज्य में आत्महत्या करने मजबूर होते थे। बेरोजगारी सितंबर 2018 में रमन सिंह के समय 22.2% थी, आज पिछले 8 महीने से कविता जी
पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य यदि कोई है तो वो छत्तीसगढ़ है। 15 साल एक भी नियमित पद पर शिक्षक भर्ती नहीं कर पाए थे। पहले 14,500 भर्ती, 12,500 की अभी प्रक्रिया है। सहायक प्राध्यापक की एक भी पद पर ये भर्ती किए हो तो बताएं। 14,465 पदों की भर्ती हुई। कल आईटीआई में प्रशिक्षकों की जो ट्रेनर हैं उनकी भर्ती का विज्ञापन निकला है। स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर 270% बढ़ाया है 4 साल में। कभी जी 4,800 सवेलनेस सेंटर बने हैं। तो भाजपा के कुशासन को भी भोगा है। अभी सम्मानी सुंदरानी जी कह रहे थे 50 वादे थे, 6 भी पूरे नहीं हुए। आपके माध्यम से इनको फिर से याद दिलाना चाहता हूं। पब्लिक डोमेन में कांग्रेस का घोषणा पत्र उपलब्ध है। 36 वादे थे, 36 उसमें 31 वादे पूरे हो चुके हैं। ये गिल्ले कर्ज माफी का जो टाइम बाउंड वादा था, 6 वादे पूरे नहीं हुए। जो सम्मानी अनिल जी ने कहा वो भी पूरा हुआ। 2500 रुपए का वादा था किसानों को धान का, 2640 और 2660 हमारे वादे से ज्यादा मिल रहा है। बिजली बिल हाफ का लाभ मिल रहा है कि नहीं सुंदरानी जी? अपने घर का अपना बिजली बिल चेक कर ले। छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री उन्होंने रोक के रखी थी, वो चालू हुए। गाइडलाइन रेट जो है सुन लीजिए सुंदरानी जी, 30% की कटौती, 15% अतिरिक्त कटौती, ये गंध फैलाना छोड़ दीजिए। सुंदरानी जी सम्मानित विधायक है, गंध फैलाना छोड़ दीजिए। तेंदू पत्ते का समर्थन मूल्य 2500 रुपए से बढ़ा के 4000 हुआ कि नहीं? लोहारी गुंडा में जो आपने आदिवासियों से जमीन छीनी थी, वो करने की बात नहीं की। यूजर चार्ज लगा दिया आपने, आपने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, आप शराबबंदी नहीं किए, मितानिनों का मानदेय नहीं बढ़ाया आपने, महिलाओं का स्वयं सहायता समूह का कर्जा माफ जी, हजारों रिहाई हुई है जिनको आपने नक्सली बता के जेल में आपने पेंशन निराश। सुनना ही नहीं चाहते, ये सुनना ही नहीं चाहते। मैं 31 बातें गिनाता हूँ। सुंदरानी जी आपके सवाल के जवाब दीजिए, इसको चुप कराइए। सुरेंद्र जी थोड़ा सा धीरे, ठीक है, शांतिपूर्वक प्लीज जी, शांतिपूर्वक प्लीज। सुरेंद्र जी, कविता जी, रोजगार को लेके ये बार बार आरोप लगाते हैं, रोजगार को लेके ये बार बार आरोप लगाते हैं। सीएमआई का आंकड़ा है 22.2% था सितंबर 2018 में जब रमन सिंह की सरकार थी। पिछले 10 महीने से अब देख लिए ये पूरे देश में सबसे कम है। अपराध को लेके ये गलत बयानी करते हैं। जो एनसीआरबी का आंकड़ा है जो केंद्रीय गृह विभाग जारी करता है, बलात्कार के मामले में 2016 में रमन सिंह के समय 20 राज्यों में 5वें स्थान पर था जो आज 11वें स्थान पर है। जिस प्रकार से समृद्धि आई है अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर में, कृषि, उद्योग और सेवा, तीनों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है। इस साल का चालू वित्त वर्ष में 701 करोड़ का राजस्व अधिक का बजट है। ये कहते हैं खजाने में पैसा नहीं है, ये झूठ फैलाना छोड़ दे। ये आरएसएस की ट्रेनिंग का नतीजा है। मैं 31 वादे आपको गिनाता हूं जो सरकार ने पूरे किए हैं। ये 15 साल ठगते रहे किसानों को बोनस के नाम पर। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा 2003 में था और ये कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। कांग्रेस ने कहा था हर घर रोजगार, घर घर रोजगार। राजीव मितान क्लब बनाए गए हैं, 1,00,000 करोड़, 1,00,000 रुपया जो है गांव के युवाओं को दिया जा रहा है जो सामाजिक कार्यों में भागीदारी निभा रहे हैं। नई उद्योग नीति बनी है, 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। कोंडा गांव में मिलेट मिशन के तहत प्लांट बना है, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट बना है। नई उद्योग नीति में कविता जी स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल रहा है। तो भाजपाइयों को तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है। ठीक है, दिखा रहे हैं सुंदरानी जी कुछ। जी सुंदरानी जी, किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान की बात की थी, रखा है क्या? मेरे पास इनका घोषणा पत्र है। शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध की बात की थी। ₹17,000 करोड़ केंद्र की सरकार, लोकपाल, मैंने आपको सुना। अरे मैं आपको सुना हूँ यार, आपको बोलने की। लोकपाल अधिनियम लागू किया क्या आपने? आपने सामुदायिक विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए दिए। 26,000 करोड़10% का ग्रोथ ऑटोमोबाइल सेक्टर में। राज्य में पत्रकार और वकीलों, डॉक्टरों को संरक्षण के लिए विशेष कानून बनाया जाएगा, आपने बनाया क्या?
अनिरुद्ध आप बताइए ना, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अगले सत्र में आएंगे 15 साल आपको याद नहीं है, हमारी सरकार वादा निभा रही है, हमारी सरकार वादा निभा रही है। मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा बनाया जाएगा, 6 मेडिकल कॉलेज में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। अरे 4 मेडिकल कॉलेज नए बने हैं, अरे सभी जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल मल्टी स्पेशलिटी, एक मेडिकल कॉलेज था, 33 मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार ने दिया, 3000 स्कूल बंद किया रमन सरकार ने 3 साल में, रमन सरकार ने 3000 स्कूल बंद किए थे, उसको स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, अरे स्वामी हमने खोले स्कूल में पढ़ाने वाले कोई नहीं है, स्वामी आत्मानंद स्कूल में इंग्लिश पढ़ाने वाले नहीं है, 280 स्कूल अरे स्कूल में क्षेत्र में जाओगे पढ़ाने वाले नहीं, अरे मैं रोज घूमता हूँ, मेरे पिता कोई नहीं घूमता होगा भैया। अनिरुद्ध जी से सवाल है, अनिरुद्ध जी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, आप जा तो सही, अनिरुद्ध जी क्या पार्टी सभी विधायकों पर भरोसा जताएगी या फिर से नए चेहरे पर दाव खेलेगी, क्या लगता है आपको, क्योंकि चुनाव इसी साल है और बड़ी चुनौती भी है। देखिए बड़ी चुनौतियां हैं निश्चित रूप से, और चुनौती ऐसा है, मुझे तो यह लगता है कि अभी जो आज की तारीख में कांग्रेस से बड़ी ज्यादा बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है जी। हालांकि उनके जो अपने छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर जी आए थे, उन्होंने पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि विधायकों की संख्या कम रही तो भी सरकार बना लेंगे, तो आत्मविश्वास तो उनका झलका। अमित शाह जी ने भी कोरबा में सभा लेके शंखनाद किया, तो धीरे धीरे क्या है कि 10 महीने का अभी समय है, हो सकता है बहुत सारी चीजें रिकवर हो जाए। अब रही बात कांग्रेस की, तो देखिए आज डिबेट का जो विषय था इसमें मतलब है कि परफॉर्मेंस के आधार पर टिकटों का चयन, तो क्या है कि कोई भी पार्टी रहे उससे पूरी एहतियात बरतनी चाहिए, उसे सतर्कता बरतनी चाहिए, और उसमें केवल विधायकों का मामला नहीं है, मंत्रियों का भी है, मंत्रियों का भी परफॉर्मेंस कमजोर हो तो उसका हस्त क्या होता है, ये 2018 के विधानसभा चुनाव में देखा जा चुका है, 8 से 9 मंत्री हारे थे पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में, जिसमें राजेश मूणत, केदार कश्यप, महेश गागड़ा, भैयालाल राजवाड़े, रामसेवक पैकरा, अमर अग्रवाल, ये सब मंत्री से हारे थे। तो देखिए कोई भी पार्टी हो, मैं भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा होता ये नहीं, किसी भी पार्टी के साथ हो सकता है, आप इतिहास उठा के देख लें तो बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है, कोई किसी भी स्तर का हो, कोई कितना भी वजनदार हो, अगर कहीं परफॉर्मेंस अगर कहीं कमजोर नजर आता है तो कोई भी पार्टी हो टिकट को लेकर उसे पुनर्विचार उस व्यक्ति पे करना चाहिए। जी बिल्कुल सुरेंद्र जी, वक्त बहुत कम है विधानसभा चुनाव में, इसी साल चुनाव है तो कैसे परफॉर्मेंस को ठीक करेंगे, वैसे भी पहले ही अनिरुद्ध दुबे जी ने कह चुके हैं कि वक्त बहुत कम है और जो छवि बन जाती है वो बनी रहती है, 7-8 महीने ही बाकी है। कविता जी निश्चित रूप से प्रत्येक राजनीतिक पार्टी जो टिकट तय करती है जीतने की संभावना और जो ग्राउंड रिपोर्ट होते हैं उसके आधार पर ही होता है, भारतीय जनता पार्टी कभी लोकतंत्र को मानती नहीं है ना अपने कार्यकर्ता नेताओं को, मुख्यमंत्री जी ने वही कहा ना, अभी समय है, यदि कोई ऐसी स्थिति है तो सुधारा जा सकता है। सुरेंद्र जी अपनी पार्टी के बात कीजिए, सीएम ने जो बयान दिया है, सीएम ने कहा उस पर बात करेंगे हम, के बयान पर डिबेट हो रहा है, प्लीज सुरेंद्र जी सुनाने की रुक जाइए, जो हमारा मुद्दा उससे हम भटकेंगे नहीं, बहुत कम समय, 3/4 से ज्यादा बहुमत है, उसके बाद पिछले 4 साल में 5 विधानसभा के 5 उपचुनाव हुए हैं कविता जी, ये कविता जी नगरी निकाय और पंचायत चुनाव भी हुए हैं, जो जनता जो है वो कांग्रेस के साथ है, ये सवाल है 4 साल में जो उपलब्धियां हासिल की है भूपेश बघेल सरकार ने, जो आम जनता की समृद्धि कांग्रेस हुए हैं, हमारे सैलजा जी ने भी कहा है कि जो विधायक भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुताबिक हो चुकी है, आपको आपको गुमराह कर रहे हैं, चैनल को गुमराह कर रहे हैं, सुल्तानी जी रुक जाइए, कांग्रेस वर्मा जी जल्दी से जवाब दीजिए, कांग्रेस में पूरी पारदर्शिता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, और ये तो कार्यकर्ता तय करते हैं, हमारे यहाँ पूरी पारदर्शिता है, अभिव्यक्ति की आजादी है, चुनाव समिति होती है वो निर्णय लेती है, यदि अनिरुद्ध दुबे जी और सुन लीजिए सुंदरानी जी सुन लीजिए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का हमारा मुद्दा था एमएलए का रिपोर्ट कार्ड, तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, नमस्कार।